बेगूसराय में सड़क हादसे में महिला की मौत। घर चलाने के लिए कर्ज मांगने निकली थी, वापस आने के दौरान बाइक ने मारी टक्कर। यूपी से शराब की खेप मुजफ्फरपुर लाने वाला धराया, उत्पाद विभाग ने शराब के 8 धंधेबाजों को दबोचा, बैग में भरकर मिली शराब। बेतिया में लूटपाट का विरोध करने पर दवा व्यवसायी पर जानलेवा हमला, दुकान बंद कर घर लौट रहे थे तभी लूटपाट करने लगे अपराधी, धारदार हथियार से सिर पर वार किया। खगड़िया में सरस्वती पूजा पर लगे बाढ़ बालाओं के ठुके, सीओ ने लिया संज्ञान, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई तेज, एफआईआर दर्ज। पीएम ने बिहार यूपी को एक साथ साधा, बोले लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नीतीश ही सच्चे समाजवादी, परिवारवाद को लेकर मुलायम को घेरा। बिहार में बिजली को लेकर सोशल सर्वे, 47% लोगों ने कहा स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 30% बढ़ गया बिजली बिल। खगड़िया में गरीब नवाज एक्सप्रेस से पार्सल की चोरी, आउटर पर खड़ी ट्रेन से उड़ाए थे 25,000 के पार्सल, सामान समेत 2 गिरफ्तार। बिहार में 4 एक्सप्रेसवे बनेंगे, मंत्री नितिन नवीन बोले डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है, 1 साल का लेखा जोखा दिया। मधेपुरा में चोरों ने 3 घरों को खंगाला, 2 घर से 50,000 से अधिक कैश और जेवर ले गए, तीसरे से कुछ नहीं मिला तो सामान बिखेरा। मिथिला एक्सप्रेस के पहिए के नीचे आई ईट, हादसा टला, नाला निर्माण के लिए रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे ईट, यात्री हुए परेशान। सुगमय लाइब्रेरी में दिव्यांगों को पढ़ाई में होगी सुविधा, 9वीं से 12वीं कक्षा तक की किताबें रहेंगी उपलब्ध, रजिस्ट्रेशन करवा कर ले सकते हैं लाभ। मुजफ्फरपुर में 20 फरवरी को बुनियादी साक्षरता परीक्षा, 632 केंद्रों पर होगा एग्जाम, 12,640 नवा साक्षर महिलाएं होंगी शामिल। स्मार्ट सिटी योजना में अनियमितता पर डीएम नगर आयुक्त को नोटिस, बिहार मानव अधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस, वैकल्पिक मार्ग की मांग। शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ लेटर गेम, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को लेना पड़ा संज्ञान, पूर्व में दर्जनों मीटिंग और पदाचार के बावजूद नहीं हुआ सुधार। मुजफ्फरपुर में परीक्षा देने के नाम पर स्कॉर्पियो लूटा, एग्जाम सेंटर पर जाने के नाम से गाड़ी रिजर्व किया, हथियार के बल पर लूट लिया स्कॉर्पियो।